हेलो दोस्तों, आपको SBI स्टडी क्लास में स्वागत है। मैं सुनील विश्वकर्मा आज फिर से पिछले मंथ का करंट अफेयर का वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं, जो मार्च मंथ का पार्ट वन वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो का प्रश्न बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं, सभी प्रश्न में जो हमने एक डिटेल फुल डिटेल के साथ में आज का वीडियो में लेकर आया हूं, तो आप मेरे वीडियो को देखें और शेयर ज़रूर करें। और हमें आउटपुट जो मिलना चाहिए उस तरह का आउटपुट नहीं मिल पा रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें सपोर्ट करें, जो कि ज़्यादा चाहे अच्छे तरीके से हम वीडियो बनाकर आपके सामने आएँ। चलिए दोस्तों, चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो लॉन्च किया गया है कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में जो है वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम जो है लॉन्च किया गया है। चलते हैं दोस्तों, कर्नाटक के बारे में पूरा फुल डिटेल बताते हैं। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी है। सबसे बड़ा शहर कौन है? बेंगलुरु सबसे बड़ा शहर है। यहाँ कितने ज़िले हैं? 31 ज़िले हैं यहाँ का बैंक कर्नाटक में। कर्नाटक में टोटल कितने हैं? 31 ज़िले हैं। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक राज्य का गठन कब किया गया था? कर्नाटक राज्य का गठन जो है 1 नवंबर 1956 में किया गया था। यहाँ का राज्यपाल कौन है? यहाँ का राज्यपाल है थावर चंद्र गहलोत, यहाँ का राज्यपाल है। मुख्यमंत्री कौन है? वासवराज बोम्मई जो है यहाँ का मुख्यमंत्री है, जो BJP की सरकार यहाँ पर है कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं विधान परिषद में टोटल कितने सीट है। विधान परिषद में टोटल सीट है 75 सीट, विधानसभा में इसका सीट है, विधान परिषद में सीट है। और विधानसभा में कितना है? 225 सीट जो है विधानसभा में है। ठीक है दोस्तों, यहाँ राज्यसभा में जो है, राज्यसभा में कितने सीटें हैं? राज्यसभा में 12 सीटें हैं। और लोकसभा में कितने सीटें हैं? 28 सीटें जो हैं लोकसभा में। ठीक है दोस्तों, फुल डिटेल लेकर आपके सामने आया हूँ। तो किसी न किसी स्टेट के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जिले, सबसे बड़ा राज शहर कौन सा, कब गठन किया गया था, कितने सीट वहाँ पे हैं विधानसभा में, विधान, तो इस टाइप का प्रश्न जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो हम फुल डिटेल के साथ आपके सामने इस वीडियो में लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने हेतु किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो है 15 मार्च को। 15 मार्च को जो है इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सभा ने एक दिन अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित किया है, वह है 15 मार्च। ठीक है दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश में हुई राष्ट्रपति चुनाव में 31 वर्षीय यून सुक योल ने ली जेई मयूंग को मामूली वोटों के अंतर से हराकर जीत हासिल किया? तो कौन सा देश है? दक्षिण कोरिया है। तो दक्षिण कोरिया के बारे में बताते हैं, टोटल पूरा डिटेल बताते हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ? सियोल जो है दक्षिण कोरिया की राजधानी है। यहाँ का राष्ट्रपति अभी कौन बने हैं? यून सुक योल जो है यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, जो कि 61 वर्ष के हैं ये यू सुक ओल। ठीक है दोस्तों, यहाँ की मुद्रा क्या है? दक्षिण कोरिया की मुद्रा जो है दक्षिण कोरियाई वान है। यहाँ का प्रधानमंत्री कौन है? हान डक सू जो यहाँ का प्रधानमंत्री है। दोस्तों, बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न बता रहे हैं, VVI प्रश्न है, आप नोट डाउन कॉपी में ज़रूर करते चलें, पूरे डिटेल के साथ में हम बताने जा रहे हैं आपको। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न में क्या कर रहा है, वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को 9.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 9.1% कर दिया है। कितना प्रतिशत घटाया? 0.4% जो है घटाकर 9.1% कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो पंजाब के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है भगवंत
मान लें, ठीक है। एक इनकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, ठीक है दोस्तों। पूरा इसका पंजाब का पूरा डिटेल बताते हैं। पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। पंजाब में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? लुधियाना सबसे बड़ा शहर है। टोटल कितने ज़िले हैं पंजाब में? तो पंजाब में टोटल 23 ज़िले हैं, ठीक है। पंजाब का राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित यहाँ का राज्यपाल है। मुख्यमंत्री कौन बनाया गया? भगवंत मान जो है यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया है पंजाब का, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे में क्या है कि यहाँ का विधानसभा की सीटें कितनी? 117 जो है यहाँ विधानसभा की सीटें हैं, और 7 राज्यसभा की सीटें हैं, और 13 जो है लोकसभा की सीटें हैं, ठीक है दोस्तों। फुल डिटेल मिलेगा इस वीडियो में आपको। आज बहुत मेहनत की है दोस्त इस वीडियो बनाने के लिए। चलते हैं छठा प्रश्न की तरफ। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए हाल ही में मार्च 2020 में निलंबित 5 वर्षीय ई पर्यटक वीजा कितने देशों के नागरिकों हेतु तत्काल प्रभाव में से बहाल कर दिया गया है? तो टोटल 156 देश के नागरिकों के लिए बहाल प्रभाव को बहाल कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। कौन सा वीजा? ई पर्यटक वीजा, ध्यान रखिएगा। अच्छा प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, पर्यटक से रिलेटेड वीडियो है, तो बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, चांस एग्जाम में आने का। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने 7 साल से अधिक समय पहले पूर्वी यूक्रेन में मलेशियाई एयरलाइंस के विमान MH17 को मार गिराने में रूस की कथित भूमिका को लेकर रूस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की फैसला किया है? तो कौन? नीदरलैंड ने किया है। नीदरलैंड का एक विमान था, मलेशियाई जो विमान था, एक मलेशियाई एयरलाइंस के विमान MH17 था, जो कि रूस ने एक अनुमान लगा गया, एक रूस पे एक आरोप लगा गया है कि रूस ने इस विमान को जो है मार गिराया है, तो उसके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई करने का फैसला लिया है, वो है ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड ने लिया है। चलते हैं दोस्तों, पूरा फुल डिटेल बताते हैं नीदरलैंड के, नीदरलैंड का क्या डिटेल है। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम जो है यहाँ की राजधानी है। मुद्रा क्या है? यूरो यहाँ की मुद्रा है। प्रधानमंत्री कौन यहाँ का? मार्क रट जो है नीदरलैंड के क्या है? प्रधानमंत्री है, ठीक है। किस महाद्वीप में नीदरलैंड किस महाद्वीप में आता है? तो यूरोप महाद्वीप में जो है नीदरलैंड आता है। यहाँ की भाषा क्या है? डच यहाँ की भाषा है, ठीक है। नीदरलैंड के बारे में इतना बहुत काफ़ी है जो कि एग्जाम में आता है। हर एक देश की मुद्रा हो गया, राजधानी हो गया, प्रधानमंत्री कौन है, किस महाद्वीप में पड़ता है, वहाँ की भाषा क्या, इस टाइप का प्रश्न जो आ जाता है एग्जाम में, तो हम सोचते हैं कि करंट अफेयर के साथ साथ में इसको भी हम कवर करते चलें, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस देश के कितने प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना की योजना की है? तो टोटल कितना है? 13 प्रमुख नदियों की कायाकल्प की परियोजना की घोषणा किया गया है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो 15 मार्च के जो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। ICC की तरफ से फरवरी 2020 के लिए किसे फीमेल ऑफ द मंथ प्रदान किया गया? फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ प्रदान किया गया, तो कौन है? एमिला कौर को, जो न्यूजीलैंड की है। एमिला कौर के न्यूजीलैंड की है, उन्हें जो है फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ ICC 2022 में उनको प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चार श्रमिक कल्याण प्रकल्प नामक एक विशेष योजना की घोषणा की है? तो है त्रिपुरा में जो है त्रिपुरा राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री चार श्रमिक कल्याण प्रकल्प नामक एक विशेष योजना की घोषणा किया है। अब त्रिपुरा के बारे में दोस्तों पूरा डिटेल बताते हैं आपको। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला इसकी राजधानी है। सबसे बड़ा शहर जो है अगरतला ही है त्रिपुरा के, ठीक है दोस्तों। कितने ज़िले होते हैं इसमें? 8 ज़िले हैं, ठीक है।
इसका गठन कब किया गया था, त्रिपुरा राज्य का गठन 21 जनवरी 1972 को किया गया था। ठीक है, राज्यपाल कौन है, रमेश बैस जो है यहाँ का राज्यपाल है। मुख्यमंत्री है बिप्लब कुमार देव, बिप्लब कुमार देव मुख्यमंत्री है जो बीजेपी की सरकार, यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार जो है त्रिपुरा में भी है। और विधानसभा की सीट कितना है, 60 जो है विधानसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की सीट एक है और लोकसभा की सीट कितने, 2 हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण किए जाने के बाद किस देश ने रूस पर प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और रूसी बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो कौन है, अमेरिका। अमेरिका देश ने यूक्रेन पर जो आक्रमण किया उसकी इसी कारण से अमेरिका देश ने इस पर जो है कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, जिससे कि प्रौद्योगिकी और रूसी बैंक पर प्रतिबंध लगाया है, वो अमेरिका देश है। ठीक है दोस्तों, अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन जो है डीसी जो है अमेरिका की राजधानी है। सबसे बड़ा नगर कौन है, न्यूयॉर्क नगर सबसे बड़ा है। राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन जो है यहाँ का राष्ट्रपति है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आईसीसी ने भारत के किस स्टार प्लेयर बल्लेबाज को फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ घोषित किया है, तो सुरेश अय्यर को आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ घोषित किया गया है, जो फरवरी 2022 में एक मैच हुआ था, आईसीसी का मैच हुआ था, उसमें प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है सुरेश अय्यर को। नेक्स्ट प्रश्न है, एयर इंडिया का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, एयर इंडिया का नया चेयरमैन जो है एन चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया, एन चंद्रशेखरन। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट में जो है 238 रन जीत दर्ज करके घर में लगातार 15वीं टेस्ट सीरीज जीत लिया है, तो श्रीलंका के देश के साथ में भारत ने टेस्ट दूसरे टेस्ट मैच सीरीज जो है खेला था, जिसमें 238 रन से जीत दर्ज किया। अब बताते श्रीलंका के बारे में बताते हैं दोस्तों, श्रीलंका की राजधानी क्या है, कोलंबो जो है श्रीलंका की राजधानी है। सबसे बड़ा नगर जो है कोलंबो ही है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं गोतबया राजपक्षे जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और प्रधानमंत्री है रानिल विक्रम सिंधे जो यहाँ का प्रधानमंत्री है। आप नोट डाउन जरूर करें, कॉपी में जो है नोट डाउन जरूर करें, जो कि आप कभी भी एक नज़र उस कॉपी को मार सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, चीन में भारत के किस नियुक्त राजदूत ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है, तो किए हैं प्रदीप कुमार रावत ने जो है अपना पद ग्रहण कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, 17वां प्रश्न है, कैटलिन नोवाक को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, तो हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है कैटलिन नोवाक को। अब चलते हैं हंगरी देश के बारे में, आपको बताते हैं दोस्तों, हंगरी की राजधानी कहाँ है, बूडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बूडापेस्ट है। सबसे बड़ा नगर जो है बूडापेस्ट है। यहाँ का राष्ट्रपति कौन है, कैटलिन नोवाक जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और प्रधानमंत्री कौन है, विक्टर ओरबान जो है यहाँ के प्रधानमंत्री है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने किसको उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है, तो है एम के सिकरी को उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न तब चलते हैं, भारत ने दूतावास को यूक्रेन से किस देश में अस्थायी रूप से हस्तांतरित करने का फैसला किया है, तो है पोलैंड देश से हस्तांतरित करने के लिए घोषणा की है भारत ने। ठीक है दोस्तों, अब इसके पोलैंड के बारे में बताते हैं, पोलैंड की राजधानी कहाँ, वारसा जो है पोलैंड की राजधानी है। सबसे बड़ा शहर जो वारसा है, और यहाँ का राष्ट्रपति कौन है, एंड्रेज डूडा जो है यहाँ का राष्ट्रपति है।
इस वीडियो में आपको फुल डिटेल बता रहे हैं, देश के जितने देश के आ रहे हैं सभी देश के बारे में फुल डिटेल बता रहे हैं कि जो है बाद में आपको ज्योग्राफी और जो हिस्ट्री से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जीएस पढ़ने की पिछले जीएस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको करेंट वीडियो के साथ में आपको जीएस बता कर चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, क्लाउड सेवाओं को मजबूत करने में जुटी गूगल ने कितने अरब डॉलर के सौदे में साइबर सुरक्षा कंपनी मैंडिएट का अधिग्रहण किया है? तो है 5.4 अरब डॉलर से इसको अधिग्रहण किया मैंडिएट, एक साइबर सुरक्षा कंपनी है मैंडिएट। नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, किस राज्य सरकार इस महीने के, किस राज्य सरकार जो है इस महीने के मतलब कि मार्च महीने के अंत में अपने वार्षिक बजट में वाहिनी योजना की घोषणा करने की घोषणा किया है? तो है सिक्किम, सिक्किम जो है सिक्किम राज्य है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में पूरा डिटेल बताते हैं सिक्किम के बारे में। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। बड़ा शहर कौन है? गंगटोक है। कितने जिले आते हैं? 4 जिले इसके आते हैं। यहाँ का राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद यहाँ का राज्यपाल है। और मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग जो है यहाँ का मुख्यमंत्री है। ठीक है दोस्तों, विधानसभा की सीटें यहाँ कितने? 32 जो है विधानसभा की सीटें हैं, लोकसभा की सीटें 1 हैं और राज्यसभा की सीटें भी 1 हैं। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा लोकसभा दोनों की सीट क्या है? 1-1 सीट यहाँ पे है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में जेंडर संवाद के 3rd संस्करण का आयोजन किया गया? तो है ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से जो है जेंडर संवाद का 3rd संस्करण का योजना आयोजन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत का इक्विटी बाजार पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया का कितना स्थान पर पहुंच गया है? तो है 5वें स्थान पर पहुंच गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, देवाशीष पांडा को कितने साल के कार्यकाल के लिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 3 साल के लिए जो है देवाशीष पांडा को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 25वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में लाल बजट पेश किया है? तो बाल बजट पेश किया है वह मध्य प्रदेश सरकार ने जो है बाल बजट पेश किया है। अब मध्य प्रदेश के बारे में आपको बताते हैं फुल डिटेल। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है, भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इंदौर सबसे बड़ा शहर यहाँ का। और कितने जिले हैं? 52 जिले यहाँ पे आते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, इनका गठन किया गया था 1 नवंबर जो है 1956 में इनका जो है गठन किया गया था। और राज्यपाल यहाँ कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ का राज्यपाल है। मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री, जो बीजेपी की सरकार यहाँ पे है मध्य प्रदेश में भी। विधानसभा सीट कितना है? विधानसभा सीट जो है 231 विधानसभा सीटें हैं और राज्यसभा सीटें 11 हैं और लोकसभा सीटें कितना है? 29 है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका ने हाल ही में किस देश से अभी तेल और गैस आयात पर प्रतिबंध लगा दिया? तो अमेरिका ने लगाया है तेल और गैस पे, वो रूस देश पे क्यों है प्रतिबंध लगाया गया है? इसकी राजधानी क्या है? रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को जो रूस की राजधानी है। सबसे बड़ा शहर नगर कौन है? मॉस्को ही सबसे बड़ा नगर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ का राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन जो है यहाँ के राष्ट्रपति है रूस का। ठीक है दोस्तों, और रूस के प्रधानमंत्री कौन है? दिमित्री मेदवेदेव। ठीक है दोस्तों, दिमित्री मेदवेदेव जो है यहाँ का प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, विश्व बैंक ने किस राज्य में गरीब और कमजोर समूहों को सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंचाने में मदद करने के प्रयासों का समर्थन करने हेतु 125 मिलियन डॉलर के लोन की पेशकश की है? वह पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने जो है कमजोर और मजदूर समूहों के सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंचाने की मदद के लिए 125 मिलियन डॉलर के लोन का पेशकश की है। अब चलते हैं जम्मू कश्मीर पश्चिमी बंगाल के बारे में बताते हैं, पूरा डिटेल बताते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता इसकी राजधानी है।
इसका स्थापित कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 में स्थापित इसका भी किया गया था। सबसे बड़ा शहर कौन है? कोलकाता सबसे बड़ा शहर है। ठीक है दोस्तों, जिले टोटल कितने आते हैं? कोलकाता के अंदर 23 जिले आते हैं, पश्चिम बंगाल के अंदर जो है 23 जिले आते हैं। उसके बाद यहाँ का राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़ जो है यहाँ का, जगदीप धनखड़ जो है यहाँ का राज्यपाल है। और मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न तक चलते हैं, किस राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा जो की है वो है हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। हरियाणा सरकार के पूरा फुल डिटेल बताते हैं आपको। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है। सबसे बड़ा शहर कौन है? फरीदाबाद जो है सबसे बड़ा शहर है। फरीदाबाद शहर है बड़ा। और जिला कितने इसमें आते हैं? 22 जिले इसमें आते हैं। हरियाणा के अंदर जो है 22 जिले हैं। इसका गठन कब किया था? 1 नवंबर 1966 को जो है इसका गठन किया गया था। राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय इसका राज्यपाल है। हरियाणा का राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर जो है खट्टर यहाँ का मुख्यमंत्री है, जो बीजेपी की सरकार यहाँ पर भी है। विधानसभा की सीट कितने? 90 सीट विधानसभा की है। राज्यसभा की 5 सीटें हैं और लोकसभा की सीट जो है 10 हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने किस टीम को नया कप्तान नियुक्त किया है? तो है फॉग डू प्लेसिस को जो है आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के नए कप्तान नियुक्त किए गए हैं। लास्ट प्रश्न दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़कर 28 गेंदे पर अर्धशतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए कौन? ऋषभ पंत जो 28 गेंद में अर्धशतक मारने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। और भी प्रश्न है, 31वां प्रश्न है, पाई दिवस किस दिन मनाया जाता है? पाई दिवस जो है 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। 14 मार्च को जो है पाई दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 32वां प्रश्न, रिलायंस रिटेलर ने बिग बाजार की जगह अब किसे लॉन्च करने की घोषणा की है? तो रिलायंस रिटेलर ने बिग बाजार की जगह पर जो है स्मार्ट बाजार जो है लॉन्च करने की घोषणा किया है। ठीक है दोस्तों इस वीडियो में टोटल 32 प्रश्न थे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितना मेहनत कर रहे हैं उस तरह से आप लोग तरफ से आउटपुट हमें मिल नहीं पा रहा, तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जो कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।